हेलो, हाय गाइस, दिस इज़ अमित चौहान. दिस इज़ अमित चौहान. आई विल बी टीचिंग यू सोशल साइंस. एज यू ऑल नो दैट भाई, सोशल साइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट ईयर्स क्लास 6 में, क्लास 7 में हम लोगों ने सोशल साइंस के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, इस साल हमें कुछ नया पढ़ना है. क्या पढ़ना है हमें ज़रा समझना है. जैसे हम लोगों ने, याद करो, हम लोगों ने वैसे इस पूरे की पूरी सोशल साइंस को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था. हमने इस सोशल साइंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना. वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास है? एक है हिस्ट्री, एक है हमारे पास ज्योग्राफी, एक है हमारे पास सिविक्स. ठीक है, अब ये हिस्ट्री जो है अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं जो शायद तुमने अभी तक ना सुना हो कि भाई ये सोशल साइंस तो ठीक है, ये सारी चीज़ों के कोई ना कोई फादर होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी. सिमिलरली इसी तरीके से हिस्ट्री के भी कोई ना कोई फादर है. तो हिस्ट्री के जो फादर है ना, उनका क्या नाम है? उनका नाम है हेरोडोटस. शायद तुम्हें मालूम हो क्योंकि तुम्हें मैंने कभी पढ़ाया था, तो याद भी होना चाहिए था. तो हेरोडोटस. सिमिलरली ये जो ज्योग्राफी है इसके भी कोई ना कोई फादर है. उसका नाम है एराटोस्थीन्स जो है वो ज्योग्राफी के फादर है. इसी लाइन में सिविक्स जो है वो इतना आसान सा टर्म नहीं है, इतना आसान सा टॉपिक नहीं है. इसके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. जैसे सिविक्स में एक आता है जिसको आप कहते हो इकोनॉमी, एक आता है आपके पास पॉलिटिक. तो इन सब में अलग अलग फादर्स आते हैं. तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इकोनॉमी का जो फादर है उसका नाम है एडम स्मिथ नाम है उसका. पॉलिटिक का फादर जो है वो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ऐसे ग्रीक लोग हैं. तो ये सारे के सारे नाम चिंटू मिंटू पिंटू ना होके हमारे पास है हेरोडोटस, एराटोस्थीन्स और प्लेटो और एडम स्मिथ. ये वाली बात है. अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था वो ध्यान देते हैं. जैसे हम लोग जब क्लास 6 में, 7th में, 8th में थे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हिस्ट्री को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, याद होगा तुम्हें. एक आता है जिसे अपन कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री, एक आता है जिसे आप कहते हो मिडिवल हिस्ट्री, एक आता है जिसको आप कहते हो मॉडर्न हिस्ट्री. तो हम लोगों ने क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा. ठीक है, क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा मिडिवल हिस्ट्री. इस साल हमारे 8th क्लास में तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री. तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी दो पार्ट्स में, वो कैसे दो पार्ट्स में? ध्यान दो एक है हमारे पास हमारी इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसमें पढ़ेंगे हम, और एक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री. भैया इंडिया की हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पूरा हमारा 8th, 9th और 10th में ये सारी चीज़ें वही की वही चलेगी. इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और वैसे भी हिस्ट्री में कोई चेंजेस आते नहीं. तो मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या? मॉडर्न हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है, मतलब ये कब की बात है? 1707, मतलब आफ्टर दी डेथ ऑफ औरंगजेब मिडिवल हिस्ट्री खत्म. 1707 के बाद से जो कल तक हो गया ना, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में रखेंगे. भाई कल वाला दिन है वो भी हिस्ट्री में चला गया, तो इन सबको हम कहाँ रखेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में. ज्योग्राफी भी हमारे पास दो पार्ट्स में आती है, एक इंडियन ज्योग्राफी आती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी आती है. फिर उसे हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. ये सारी बात हमें बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मालूम होनी चाहिए. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हम जो इस साल पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारे पास आएगा सबसे पहला टॉपिक. इस टॉपिक का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर नाम का ये जो टॉपिक है, इस साल हमें इसके बारे में पढ़ना है. तो ज़रा ध्यान दो यार, भाई और बहनों, ज़रा ध्यान दो. हाउ व्हेन एंड वेयर नाम का ये जो टॉपिक है इसमें क्या कहानी होती है? तो भाई जैसे सबसे पहले वर्ड हमारा ये जो हिस्ट्री है, हमारा ये जो वर्ड है हिस्ट्री जिसके फादर हेरोडोटस हैं, भाई इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आएगी? कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर दी डेट्स इन हिस्ट्री. मतलब डेट्स जो है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर दी डेट्स इन हिस्ट्री. तो हमारे इस हिस्ट्री में डेट्स का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रखते हैं हम? इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? बात क्या है हम वो समझते हैं. ये हमारे एनसीईआरटी में किसी की बुक्स में, जिसके स्कूल में रत्न सागर चल रही होगी या बाल भारती की बुक चल रही होगी, वहाँ पे इसको हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से स्टार्ट करते हैं. वो पहला चैप्टर है हिस्ट्री के बारे में, ऐसा करते हैं. तो वी डू नॉट नीड टू वरी, हमें सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी. जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा या नोट्स दूंगा, जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, वो सारी की सारी चीज़ें सारी बुक से कंपाइल होकर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी, बहुत सारी जानकारियाँ भी तुम्हें मिलेगी. तुम चाहो तो उसे नोट भी करते रहते हो, है ना. तो ध्यान दे, ये भाई ये जो है वो हमारा लेक्चर 1 रहेगा.
लेक्चर वन रहेगा क्लास एट्थ का, क्लास एट्थ का लेक्चर वन रहेगा, और मैक्सिमम हम क्या करेंगे इसी वाले लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है हाँ, बट इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी, तो हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को मुश्किल से 25 से 30 मिनट के लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम हमारे सबसे पहले टॉपिक पे, इसको कहते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट आर दी डेट्स। तो भाई क्या कहानी है कि जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, वो हमेशा क्या होते थे, वो बड़े फैसिनेटेड हुआ करते थे, फैसिनेटेड मतलब बड़े ही अचंभित हुआ करते थे कि यार ये जो डेट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग सालों सालों तक एक ही बात पे बहस करते रहते थे। क्या बहस करते रहते थे कि यार ये जो कौन सा राजा कब, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कौन सा राजा कब मरा, कौन सा राजा ने कौन सा बैटल कब जीता, उसके उसके बैटल में कितने सारे घोड़े थे, कितने सारे हाथी थे, तो इसी बात पे बहस होती रहती। तो ये लोग क्या थे, बड़े फैसिनेटेड होते थे। कौन लोग, हिस्टोरियन। तो पॉइंट नंबर वन। एक और पॉइंट है कि भाई जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कि ओवर द टाइम दे हैव रियलाइज कि भाई हिस्ट्री जो है वो डेट्स की कहानी नहीं है, बट बल्कि वो जो चीज़ है वो चेंजेस होते हैं, चेंजेस दैट अकर ओवर द टाइम। तो हिस्ट्री जो है वो चेंजेस है, हिस्ट्री की जो स्टडी है भाई वो क्या है, एक चेंजेस है, चेंजेस दैट अकर ओवर द टाइम। तो ये वाली कहानी। अब ये चेंजेस किस में आते हैं ये समझना पड़ेगा यार हमें, चेंजेस किस में आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो ह्यूमंस की कहानी है भाई, ह्यूमंस के बारे में कहानी। तो तुम लोगों को याद होगा कोई बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स आते थे, वो हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात कह के गए। एक था आरजी कॉलिंगवुड, उसने बोला हिस्ट्री इज द ह्यूमन सेल्फ नॉलेज। एक और बंदा आया मार्क ट्वेन, उसने तो इतनी शानदार लाइन कही, उसने बोला हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। वो अपने आप को रिपीट नहीं करती बट वो धीरे धीरे नोट्स और उसमें आती रहती है, ऐसी कहानी। तो हम जरा समझते हैं कि ये जो ह्यूमन की हिस्ट्री है, ह्यूमन की जो हिस्ट्री है इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो ह्यूमन की हिस्ट्री में आते हैं भाई उनके सोशल चेंजेस, उनके पॉलिटिकल चेंजेस, उनके इकोनॉमिक चेंजेस, है ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस एंड देयर कस्टम्स ट्रेडिशंस। इन सारे के सारे चेंजेस में, इन सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, उसकी स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को उठा के एक नई कहानी में ला के बदल दिया। क्या बदला उन्होंने कि भाई दिस पैटर्न्स, द चेंजेस इन देयर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ह्यूमंस is said to be the study of history, है ना, ऐसी बात कही। अब जरा हम समझते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में यार इसके बाद हमें और भी चीज़ें समझनी है कि इस साल पूरी हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिश और इंडिया की लड़ाई के बीच में हमारा पूरा पढ़ना रहेगा हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो ब्रिटिशर्स आए हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है ना वो उसमें सिर्फ एक ही लोगों को रखा है। वो कौन थे, वो थे गवर्नर जनरल्स के बारे में लिख रहे हैं, या फिर गवर्नर जनरल्स के बारे में लिख रहे हैं, या फिर वो है ना वाइस रॉयल्स के बारे में लिख रहे हैं। तो यार ये बड़ी कहानी है, ये बड़ी उल्टी सुलटी कहानी हो गई कि भाई वाइस रॉयल्स या फिर गवर्नर जनरल्स, इन्हीं लोगों के बारे में ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी, और हमारी जो हिस्ट्री है वो भूल गए। हमारी कौन सी हिस्ट्री थी वो याद करो, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो हमारी मुगल डायनेस्टीज वाली हिस्ट्री जो हुआ करती थी। हमारे इंडिया में इतने सारे लोग आए, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया, बट उसके बारे में अब कोई बात नहीं होती। अब सिर्फ और सिर्फ वाइस रॉयस, गवर्नर जनरल्स, ब्रिटिश की पॉलिसीज, क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश अथॉरिटीज, इन सब के बारे में बात होती रहती है। तो अब जो हिस्ट्री लिखी गई, मॉडर्न हिस्ट्री की जो हिस्ट्री लिखी गई, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी बताया गया, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई। मतलब जो ब्रिटिशर्स को अच्छा लगता था वो लिखा करते थे, और हम लोगों को भी आज वही मालूम चलता है जो ब्रिटिशर्स ने लिखा हुआ है। तो ये बड़ी वन साइडेड वो हो गई, हमारी वन साइडेड चीज़ होगी कि आपको सर जो कुछ भी चीज़ें मालूम चल रही है वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से मालूम। तो हम हमारे इंडियंस के बारे में कैसे मालूम करेंगे यार, वो हम जरा भी सीखेंगे। तो आते हैं भाई सबसे पहला इसके बाद वाले एक टॉपिक पे कि भाई इंडिया में ये जो हिस्ट्री है, अब हमारी हिस्ट्री को एक बंदा आता है स्कॉटलैंड से आता है। ये कौन है जरा समझते हैं। स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ये कौन है, स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। इस बंदे का नाम है जेम्स मिल।
अब ये जेम्स मिल आता है हमारी कंट्री इंडिया में, जेम्स मिल आता है और इसने भाई 1817 में एक बुक लिख दी हमारी इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर। और उसने क्या लिखा, उसने एक बुक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उसने क्या कहानी करी यार, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उसने क्या कहानी करी वो ज़रा समझते हैं। उसने बोला सर ये जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, आप कह रहे हो सर ऋग्वेद यजुर्वेद ये कुछ नहीं है, उसने बोला भाई हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हैं अपन, तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। और देखना इसने क्या ब्लेंडर कर लिया, इसने बोला इंडिया की हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्ट्री सर वो है जब हमारी कंट्री में हिंदू लोग रहा करते थे, मतलब ये वो वाला टाइम हो गया जब आर्यंस आए थे हमारी कंट्री इंडिया में और उन्होंने धीरे धीरे सेटलमेंट किया, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हिंदू वाली। फिर एक और हिस्ट्री है जिसको आप कहते हैं मुस्लिम, जब हमारी कंट्री इंडिया में वो स्लेव डायनेस्टीज आ गए, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उसके बाद बाबर अकबर हुमायूं, ये सब लोग चलते रह गए है ना, हिंदू मुस्लिम। फिर उसके बाद भाई उन्होंने बोला अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो है ब्रिटिश। तो यार ये वाली कहानी किसने दे गया, ये जेम्स मिल दे गया। ये वाली कहानी जेम्स मिल ने इसलिए दिया क्योंकि उसको लगा कि हमारी जो एशियन सोसाइटीज हैं, हमारी जो एशियन सोसाइटीज़ है ना वो बड़ी ही लोअर लेवल की सोसाइटीज़ हैं। ये क्या बता रहा है यार, लोअर लेवल की सोसाइटीज़ है, कौन बोल रहा है, ये जेम्स मिल बोल रहा है। जेम्स मिल बोल रहा है कि आपकी सर एशियन सोसाइटीज़ जो है वो पूरी की पूरी लोअर लेवल की सोसाइटीज़ हैं, उसके पीछे ऐसा क्या रीज़न दे रहा है वो समझते हैं। तो हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एशियन सोसाइटीज़ आर लोअर लेवल हमारे हिसाब से तो नहीं है भाई एशियन सोसाइटीज़, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दी जेम्स मिल। तो एशियन सोसाइटीज़ जो हैं, एशियन सोसाइटीज़ आर लोअर लेवल, सोसाइटीज़ आर एट लोअर लेवल, आर एट लोअर लेवल। वो क्यों है भाई, उसके लिए पॉइंट नंबर वन ये बता रहा है जेम्स मिल। भाई वो क्या बता रहा है कि आपकी जो एशियन सोसाइटीज़ हैं ना सर वो बड़ी लोअर लेवल की सोसाइटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटीज़ नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि आपको तो हम लोग यूरोपियंस हैं, हम ब्रिटिशर्स से कुछ सीखना चाहिए। तो वो क्या बता रहा है, उसके रीजंस दे रहा है कि क्यों आप लोअर लेवल पे। तो भाई सबसे पहला उसका कहना है कि भाई ये जो एशियन सोसाइटीज़ है ना, कंट्रीज़ लाइक इंडिया चाइना और इधर आप चले गए वो, अभी पहले तो पाकिस्तान था नहीं था, अब श्रीलंका है, उधर नेपाल है, उसको लगता था कि ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो है ना, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ है ना सर, ये सांप बिच्छू वाली। अब वो क्या बोल रहे हैं, सांप बिच्छू वाली है, अब वो क्या बोल रहा है इसमें ज़रा समझते हैं। तो वो बोल रहा है कि सर हमारी जो इंडियन एशियन सोसाइटीज़ हैं वो उसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा एक रिलीजियस इंटॉलरेंस। हम हमारी कंट्री इंडिया में हमेशा एशियन सोसाइटीज़ में हमेशा ये देखते हैं भाई कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन क्रिश्चियन है, तो इस पे रिलीजियस इंटॉलरेंस बोलते हैं। फिर उसने एक और पॉइंट दिया, बोला आप लोग लोअर लेवल क्यों, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे कास्ट टैबूज बहुत है। अब ये कास्ट टैबूज क्या मतलब है, कास्ट टैबूज, हम हमेशा ब्रिटिशर्स ने बोला यार हम लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम लोग भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट हम लोग किस में कर रहे हैं, हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम लोग ब्लैक और वाइट में कर रहे हैं, बट आप इंडियंस क्या कर रहे हो, आप तो अपने में ही और भी ज़्यादा कास्ट बना दी आपने, हिंदूज में ही और भी बना दिया आपने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजपूत आ गए, फिर क्षत्रिय आ गए, इतनी सारी क्लासेस कर दी, तो कास्ट टैबूज आपके यहाँ पे बड़ी चलती। उसने एक और पॉइंट दे दिया, उसने बोला सर आपकी कंट्री में इन एशियन सोसाइटीज़ में आपको हमेशा सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस देखती, सुपरस्टिशियस बिलीफ देखते हो, तो सुपरस्टिशियस बिलीफ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, आपने हमें तो मालूम है, हम पढ़ते हुए एक सती का नाम सुना होगा, एक फीमेल इन्फेंटिसाइड सुना होगा, एक डाउरी सुना होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री हमारी एशियन सोसाइटीज़ में चलती हैं इसी कारण से। सर ये जेम्स मिल का बोलना जो था वो बिल्कुल सही था, बट हाँ इसने जो एंशंट हिस्ट्री हमारी जो हिस्ट्री है उसे जो तीन पार्ट्स में किया ना, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटेन, वो ज़रा सही नहीं लगा। अब उसके लिए हमारे पास कुछ क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं, क्या बोलता है वो बोलता है कि भाई इंडिया जो है वो इंडियंस को हम लोग सिविलाइज करेंगे। तो अपन को याद होगा जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था कि हमारी हमारी कुछ टेक्नोलॉजी तो उनसे मॉडर्न हुआ करती थी, हमें तो उस समय में वो डैम बनाना आ गया था, ये लोगों तो अभी मालूम ही नहीं था, ठीक है, ये वाली बात हमें इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और फिर उसने ये भी बोलना शुरू किया कि जो जेम्स मिल बोल रहा है कि इंडियंस को यूरोपियन से हर एक चीज़ सीखनी चाहिए, यहाँ तक कि आपको हमसे आर्ट कस्टम ट्रेडिशन बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, बट हमें ध्यान है भाई हमने तो ताजमहल मिडिवल हिस्ट्री में ही बना दिया था, तो ब्रिटिशर्स को हमसे सीखना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ एक ऐसे
कमेंट्स है, कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हम उनको सेंड कर सकते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो डिविजन वॉज रॉन्ग। तो हम ये जो एशियन सोसाइटीज और ये जो उसका हिंदू मुस्लिम और ब्रिटेन वाला जो डिविजन किया ना, वो डिविजन रॉन्ग था। आप इसे कैसे करोगे? क्योंकि भाई ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन को एग्जिस्टेड, समझ लो, ये वाली लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन को एग्जिस्टेड मतलब सारे के सारे रिलीजन्स जो थे वो एक साथ रहा करते थे। आपको मालूम होगा, चाहे अकबर ने रूल किया हो, चाहे बाबर ने, चाहे वहां पे हमारे राजपूत ने रूल किया हो, तो वहां पे अगर हिंदूज थे तो मुस्लिम भी थे, मुस्लिम सिख सारे के सारे लोग क्या थे, अलग अलग रिलीजन के एक साथ रहा करते थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई इसकी जो इसका जो डिविजन था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वॉज नॉट दैट अप टू द मार्क। इस तरीके से हम इसको अपोज कर सकते हैं। तो और भी हिस्टोरियंस हैं जिसको जेम्स वेल के बारे में इतने, और उसका क्रिटिसिज्म हम यही लिख सकते हैं, को एग्जिस्टेड ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन पर को एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई और भी हिस्टोरियंस हैं, और भी ज्यादा हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भी इस हिस्ट्री को और भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। वो क्या पार्ट्स हैं? वो वही पार्ट है जो हमें बहुत टाइम से पढ़े हुए आ रहे हैं, कि एक पार्ट था जिसको आप बोलते हो सर एंशियंट, एक पार्ट है जिसको आपने बोला मिडिवल, एक पार्ट है जिसको आपने बोला मॉडर्न। बट ध्यान दें यार, एंशियंट मिडिवल ये हिस्टोरियंस अलग अलग से आए थे, और भी ब्रिटिशर्स वाले थे, स्कॉटलैंड वाले या फिर यूरोपियंस थे, उन्होंने इस तरीके से इस चीज को डिवाइड करना चाहा। बट हम फिर बोलते हैं कि भाई दिस डिवीजन टू हैज मेनी प्रॉब्लम्स, इसके साथ भी इस तरीके के डिवीजन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम्स हैं? जरा ध्यान से सुनो, बिल्कुल बहुत छोटी सी हम इसमें भी आर्ग्यूमेंट क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस चीज को भी, कि भाई आप कह रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री वो वाला टाइम है, मॉडर्न हिस्ट्री आपके हिसाब से, यूरोपियंस के हिसाब से ये वो वाला टाइम है जब आपने इक्वालिटी ले आए, है ना, जब आपने इक्वालिटी लिया है, जब आपने फ्रेटर्निटी लिया है, जब आप इक्वालिटी की बात करो, जब आप डेमोक्रेसी की बात करो, जब आप डेमोक्रेसी की बात करो। बट यार ये वाली चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे आई थी? ये वाली आई थी फ्रांस में, आई थी ये फ्रांस में आ गई थी, ये यूएसए में बात हो रही है, ये कब की बात है यार? ये 1707 की बात है। और हमारी कंट्री इंडिया पे तो अभी भी भाई आप ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हो, ब्रिटिशर्स का राज है। तो हम कैसे बोल देंगे कि सर हमारा इंडिया जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की लाइन में आ गया है? तो भाई इस तरीके से हम इसको फिर से एक क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना। तो यार ये वाली बात भी हम समझे कि हिस्टोरियंस जो अलग से आए हैं, उन्होंने भी भले इसको कैसे भी करके तीन अलग अलग पार्ट्स में किया, हम उसे फिर से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने हमारी कंट्री इंडिया में राज कर लिया, इन्होंने हमारी कंट्री इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। तो जब भी कोई पावरफुल कंट्री किसी भी एक वीकर कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दे, किसी भी एक वीकर कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दे और क्या चेंजेस ला दे वो समझते हैं। वही वाली लाइन, उसके सोशल, उसके पॉलिटिकल, उसके इकोनॉमिकल, उसके कस्टम्स, उसके ट्रेडिशंस, इन सारे पैटर्न्स में वो चेंजेस ला दे, तब हम उसे बोलना शुरू करते हैं, उसको नया कंसेप्ट देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। और जो चीज़ें बन जाती, जो कंट्रीज बन जाती, उसे हम कहते हैं कॉलोनी। हमारे इस केस में ब्रिटिशर्स हैं, तो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो हमारे ये टॉपिक ही बनता है कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये है कि सब्जुगेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ड भी हमारे आंसर्स में दिखना चाहिए। वर्ड ये है कि भाई सब्जुगेशन मतलब किसी को दबा देना, सब्जुगेशन ऑफ अ वीकर कंट्री बाय अ पावरफुल कंट्री एंड ब्रिंगिंग दी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल चेंजेस इन देयर पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन एंड दैट कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनी। और हमारे इस केस में मतलब हमारी कंट्री इंडिया क्या थी? कॉलोनी थी। सेम इसी तरीके से कंट्रीज लाइक अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज थी, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड जैसी जो कंट्री, वो आज भी अपने आप को कॉलोनी कहती है।
यहाँ भी यहाँ तक कि आज भी अपने आप को कॉलोनी कहती है। तो जरा समझे अपन, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ। तो ब्रिटिशर्स क्या थी वैसे, ये थी क्या, एक ब्रिटिशर्स कोई कंट्री नहीं थी। ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी केम टू इन इंडिया, ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी हमारी कंट्री इंडिया में आती है और उसने अपना पूरी तरीके से रूल जमा लिया हमारी कंट्री इंडिया में, और धीरे धीरे हमें सब्जुगेट कर दिया और हमारे सारे के सारे चेंजेस लेके आ गया। वो किस किस में लेके आ गया, हमारे कस्टम, ये चीज़ें आपको, ये आंसर, ये जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये आपको इतना सिंपल सा पॉइंट है, आपको 6 या 8 9 10 जिस भी क्लासेस में जाओगे, आपको जब कभी पॉइंट याद ना आ रहा हो, ये वाली लाइन उठाओ और चिपका दो। इट ब्रिंग्स अबाउट इट चेंजेस इन दी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। वो ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो बोला अरे अमित शाह ने बोला यार सोशल पॉलिटिकल चिपका दो, तो उठाया आंसर लिख दिया सोशल पॉलिटिकल। तो थोड़ी थोड़ी अकल लगाएंगे अपन और थोड़ी नकल लगाएंगे तो हम सफल होंगे। वही वाली बात होगी, नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। ध्यान दें, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हम समझ गए कि भाई कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि यार ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो ब्रिटिशर्स वाले लोग थे, इस समय की इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लास्ट ईयर्स भी पढ़े थे कि हमें अगर एंशंट टाइम का है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, मिडिवल टाइम है तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है। इसी तरीके से ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। तो जैसा कि एज ऑलरेडी डिस्कस की, इस साल की जो हिस्ट्री है वो किसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, वो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो ब्रिटिशर्स ने ही हमें इस पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो ब्रिटिशर्स को भाई एक बहुत अच्छी आदत लग गई। उन्हें क्या आदत थी कि वो कहीं भी किसी भी तरीके की हिस्ट्री अगर उन्हें लिखना है तो उन्होंने बोला दे ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स। तो वो हमेशा एक बात पे फोकस करने लगे कि आप तो सर है ना रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करो, मतलब हर एक चीज़ को आप है ना लिखना शुरू कर दो। तो रिटन रिकॉर्ड्स जो थे वो बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर करने लगा। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स एंड दे रोट एवरीथिंग। भाई वो हर एक चीज़ लिखना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अब वो क्या क्या लिखते थे, यहाँ तक कि वो ये लिखते थे कि वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में लिखेंगे, है ना, पॉलिसीज़ के ऊपर लिखेंगे, वो बताएंगे कि भाई पॉलिसीज़ को किसकी पॉलिसीज़, भाई एज यूजल गवर्नर जनरल की पॉलिसीज़ के बारे में लिखेंगे। फिर वो बताएंगे कि आप जो हो किसी भी मेमोज़ के बारे में लिखो, मेमोज़ मतलब वही जो आप किसी भी दुकान पे जाते होगे तो पूछते होगे ना कि भाई एक पेन की क्वांटिटी, वो सोशल आपने मैथ्स में भी सॉल्व किया होगा कैश मेमो टाइप का, वो उन्होंने ही हम लोगों को सिखाया था। तो रिटन रिकॉर्ड्स वर प्रोड्यूस्ड, हर एक चीज़ के बारे में रिटन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये ब्रिटिशर्स के दिन है हमारी कंट्री इंडिया में। इस रिटन रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने हमारी कंट्री इंडिया में कुछ रिकॉर्ड रूम्स सेटअप कर दिए। ये रिकॉर्ड रूम्स कौन सी जगह थी, ये वो वाली जगह हुआ करती थी जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रिटन रिकॉर्ड्स होता वो वहाँ पे रखा रहता था। जो भी भाई जिसको भी उन्हें लगता था ये फ्री है, चल भाई इसकी कॉपीज बना, एक दो कॉपी और बना। अब तुम में से कोई फ्री बैठा होगा इन दिनों लॉकडाउन में तो तुम्हारे घर वाले बोलते होंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चल यार बेटा राइटिंग करो, जिसकी राइटिंग खराब होती होगी तो वो बैठ के बेचारा कर्सिव राइटिंग सीख रहा होगा, हो सकता है इन दिनों। बट उस समय वो लोग रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किया करते थे और रिकॉर्ड रूम्स सेट हुआ करते थे, ठीक है, ये अपन समझें। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड रूम्स में ये रिटन रिकॉर्ड्स को वो लोग करना शुरू कर दिया, इन चीज़ों को प्रिजर्व्ड, हर एक चीज़ को वो लोग प्रिजर्व करना शुरू कर दिए, ये वाली बात हमें। और धीरे धीरे इन चीज़ों को वो लोग कॉपी करने लगे, देवर कॉपीड एंड देवर प्रिजर्व्ड एंड देवर, इनफैक्ट जब प्रिंटिंग आ गई तो देवर अगेन प्रिंटेड, सेम चीज़ को बार बार वो लोग प्रिंट भी करने लगे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्रिटिशर्स के टाइम ड्यूरेशन में, ब्रिटिशर्स के टाइम में कि कौन कौन सी वो पॉलिसीज़ लगाते थे, कौन कौन सा गवर्नर जनरल आ रहा है। अच्छा गवर्नर जनरल से मुझे याद बताना चाहिए तुम लोगों को कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पॉइंट, एक और पॉइंट तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था इंडिया का, हम लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका नाम है भाई वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, ध्यान दो मैं हम कह रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, हर चीज़ में अलग अलग चेंजेस आएंगे। अभी हम धीरे धीरे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबके अलग अलग मीनिंग्स निकलेंगे। हम कह रहे हैं अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो लास्ट गवर्नर जनरल है उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन,
ये है लॉर्ड माउंट बैटन। ऐसे ही हमारे पास हर एक लोग आएंगे, जैसे एक से आएगा, एक सबसे पहला आएगा गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर गवर्नर ऑफ इंडिया ये भी आएगा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इतनी सारी चेंजेस आएंगे हमारे पास, सबके बारे में हमें पढ़ना है, सबके बारे में हम समझेंगे। तो चलो, इतनी चीज़ें हमें समझ में आई, इतनी चीज़ें हम समझे, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड रूम सेट कर लिए हैं, जो लोग हर एक चीज़ को इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं, कॉपीज कर रहे हैं, प्रिजर्व करवा रहे हैं, ये चीज़ों के बाद ब्रिटिशर्स की एक बहुत अच्छी आदत थी कि भाई अगर वो किस कोई भी नया गवर्नर जनरल आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉरेन हेस्टिंग्स आ रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स को सबसे पहले भेजा जाता था एक कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। अब ये तो आ रहे हैं ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, इन लोगों को ये बोल के भेजा जाता था, क्योंकि अब आपको बनना है क्या, कंट्री इंडिया के, कंट्री इंडिया का आपको बनना है गवर्नर जनरल। तो सर इनमें इनको इतनी इनको इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। आप ऐसा समझ सकते हो कि आप उस वाली कंट्री में जा रहे हो जो पूरी तरीके से जंगली है, आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जिन्हें भाई वो पूरी तरीके से अनसिविलाइज है। आपको उस कंट्री में जाके, उन लोगों को सिविलाइज करना है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का इस्टेब्लिश करवाना है, ऐसी चीज़ें वो वहाँ पर जाके सेटअप करते थे। तो जब ये लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जाते थे तो इन लोगों को सिखाया गया कि हम किसी भी जगह पे जाके जब रूल करेंगे तो उस जगह का हम लेंगे सर्वे। तो सर्वेज बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो अब वो कितने टाइप के सर्वेज किया करते थे, क्या क्या सर्वेज थे वो लोग किया करते थे, तो ज़रा समझो। तो सर्वेज क्या है एक्चुअल में, सर्वे क्या होता है, सर्वे क्या होता है वो समझते हैं। सर्वे जो है वो किसी भी जगह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक तरीका हुआ करता था। अब इनके पास बहुत अलग अलग टाइप के सर्वे हुआ करते थे भाई। अगर इन्हें है ना पेड़ पौधों का सर्वे करवाना होता था, तो ये लोगों ने एक सर्वे निकाला जिसे वो कहते हैं बोटैनिकल सर्वे, अगर इन्हें किसी जानवर का सर्वे करवाना होता था, जानवरों का सर्वे, तो वो लोग उसे कहते थे जूलॉजिकल सर्वे, है ना। हमें मालूम होगा एक साइंस की भी अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, ये जब तुम और कभी आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगे तो इसके बारे में भी पढ़ोगे। तो ऐसे ही भाई एक और टाइप का सर्वे होता था अगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ करवाना है, तो वो उसे बोलते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसी टाइम में एक और सर्वे होता है जिसको हम कहते हैं, अगर वो इंडिया के ह्यूमंस के बारे में सर्वे करवाना है तो उसे वो कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। ये कहानी हो गई है ना। और सेम इसी लाइन में वो लोग एक और सर्वे करवाते थे जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे। अच्छा, तुम लोगों को ध्यान होगा कि अगर है ना वो लोग पूरे के पूरे कंट्री इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे करवाएंगे तो वो उसे क्या बोलेंगे। एब्सोल्युटली भाई, तुम लोग सही कह रहे हो, उसे वो कहते थे सेंसस। तो सेंसस जो है वो हमारी कंट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स के देन है, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया। तो ये अलग अलग टाइप्स के सर्वेस थे जो ब्रिटिशर्स करवाते थे, वो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर किया करते थे। वो वहाँ के रिलीजन के बारे में भी जानते थे, वो वहाँ का लैंग्वेज को भी नोट करवाया करते थे कि यार वो राजा की किससे बनती है, राजा कौन किससे, राजा की लड़ाई चल रही है। तो इस तरीके से भाई उसने इंडिया को पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े करके जीत लिया। और वो कैसे जीते, यही सर्वे करवा करवा के। तो ज़रा समझे, ब्रिटिशर्स हम लोगों को तो कह देते थे कि आप लोग जो है ना सर, वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो, आप लोग बेवकूफ़ लोग हो, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आप अनसिविलाइज्ड हो, बट वो हम लोगों से ही हमारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते थे। और इस तरीके से पूरा इंडिया वॉज गॉट कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये बात हम अभी तक समझे, और आगे बढ़ते हैं और हम हमारे एकदम लास्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं कि भाई इस तरीके से जो ये सर्वेज हो किए इन्होंने, तो इससे क्या हुआ, दे हैव इम्प्रूव्ड देयर नॉलेज। उन्होंने उनका खुद का नॉलेज इम्प्रूव कर दिया। तो जिस जिस जगह पे उनकी कॉलोनी थी, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोस्टली सारी के सारे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर उन्होंने कैप्चर कर लिया कर रखा था कि ये लोग बोलते थे कि भाई सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये वाली कहानी से इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें गेन करना शुरू कर दी। तो इससे दे हैव इम्प्रूव्ड देयर नॉलेज अबाउट मेडिसिन, आर्ट, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। तो आप ऐसा बोल सकते हो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चली गई।
इतनी बड़ी बात हो गई और वो बाकी लोगों को बोलते रहते थे, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे तुम लोग बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो ये वाली बात ज़रा इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझने वाली बात है। अब ज़रा समझते हैं हम हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट, हम हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट आते हैं। इस लास्ट पार्ट को हम कहते हैं कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है सर, हमें जो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है वो कैसे मिल गई है? ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड से। बट कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ये रिकॉर्ड्स, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल हमें। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसे पढ़ते हैं कि भाई ये व्हाट, लास्ट होना चाहिए हमारे पास कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हम लोगों को क्या नहीं बताते हैं भाई? ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हैं वो हम लोगों को ये नहीं बताते हैं कि ट्राइबल्स के साथ क्या कंडीशंस थी, पीजेंट्स के साथ क्या कंडीशंस थी भाई, जो खेतों में काम किया करते थे वर्कर्स, जो माइंस में काम किया करते थे, इन लोगों के बारे में तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मालूम चलेगी यार? तो ये वाली बात हम इसमें लिख सकते हैं कि वी डू नॉट गॉट दी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ट्राइबल्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, इन लोगों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हमें मिली ही नहीं। ये पॉइंट नंबर वन है ना, ये वाला पॉइंट नंबर वन हो गया कि भाई ट्राइबल्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में, मिल वर्कर्स के बारे में, माइन वर्कर्स के बारे में, हमें इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और किन लोगों के बारे में, और किन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी? जैसे जो पिलग्रिमेजेस हुआ करते थे ना, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो उनसे भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब इन लोगों से इन्फॉर्मेशन कैसे मिले? इन लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सर, एक ही तरीका है, वो हो सकता था कि कुछ लोग अपने खुद के रिकॉर्ड्स, खुद की पर्सनल डायरीज लिखे, मतलब डायरीज लिख रहे होंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोग न्यूज़पेपर्स लिख रहे होंगे, कुछ लोग खुद की बुक्स लिख रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स लिख रहे होंगे, खुद की बुक्स लिख रहे होंगे, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसी लाइन में सर, इसी लाइन में हमें याद रखना पड़ेगा कि दो न्यूज़पेपर्स हैं, एक न्यूज़पेपर है उसका नाम है केसरी, एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मराठा। केसरी एंड मराठा वर रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ माय मोस्ट जिसे मुझे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उन बंदे का नाम है, उस फ्रीडम फाइटर का नाम है बाल गंगाधर तिलक। हैज़ रिटन टू न्यूज़पेपर्स, वन कॉल्ड केसरी, वन कॉल्ड मराठा। और तुम्हें बड़ी जान के हैरानी होगी कि जैसे उसके नाम से समझ में आ रहा है मराठा जो है वो, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो पुणे के, तो पुणे से हैं, तो वो ज़रूर मराठा को, है ना, मराठी लैंग्वेज में लिखते होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, मराठा जो था वो उन्होंने लिखा इंग्लिश में, और जो केसरी जो है उसे उन्होंने लिखा मराठी लैंग्वेज में। ये वाली बात, तो ये जो दो न्यूज़पेपर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, रिटन टू न्यूज़पेपर्स, केसरी एंड मराठा, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय के बारे में। इसी लाइन में कुछ एक बुक्स हैं जो इन ट्राइबल्स के बारे में, इन वर्कर्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो एक इंडिगो प्रॉब्लम्स वाले सिचुएशन आएगा, हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो एक बुक लिखी, एक बंदे का नाम था दीन बंधु मित्रा, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नील दर्पण। इस बुक का नाम है नील दर्पण। दीन बंधु मित्रा हैज रिटन अ बुक नील दर्पण, उससे हम लोगों को वर्कर्स और इंडिगो वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो गाइज इस वाले चैप्टर में हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे देखें। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, हम लोग फिर क्लास में और भी जब भी मिलेंगे हम उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तब तक के लिए बाय।